हमारी अंदर की सोचने की शक्ति अगर निगेटिव है तो वो उस दिन तो हमें प्रॉफिट देके जाएगी, पर आगे जाकर वो हमें बर्बाद करके जाएगी। इसलिए अंदरूनी तौर पर वो हमारे साथ हमारे शेयर के वो बर्बाद कर गई और हमारी कंपनियों को उसने तोड़ दिया। कंपनी का सिलेक्शन करना सीख जाओ, मजबूती तौर पर आपको सब कुछ नजर आएगा। देखो सर, आप इस चीज़ से डर रहे हैं या इस फाइट को लड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, पहले ये डिसाइड करो। देखो सर, हमारा करता हूँ, ध्यान रखना कि जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए उनके अंदर एक विशेष तौर पर, मैंने आपको हर बार कहा था, एक सच्ची चीज़ होती है और वो होती है धैर्यता। शेर ने रुलाया, अधिकतर सब कहते हैं सर टाटा स्टील में करूं क्या, टाटा स्टील में करना कुछ नहीं है, टाटा स्टील के शेयर अगर आपके पास है तो होल्ड करना है उसके अंदर। हाँ, स्टील है, हम कैसी एनालाइज कर रहे हैं कि चार्ट देखकर हम कंपनी की विशेषताएं बता रहे हैं। कैसे बता दो कि कंपनी की चार्ट देखकर विशेषताएं, चार्ट बनता कैसे है, चार्ट खरियो चक्र होता है ना जीवन का। एक चीज बता दूंगा आपको, कुछ लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ एक जगह एक अपनी अमीरी की तौर पर टिक जाते हैं। प्रॉफिट खींचना भी एक बहुत बड़ी कला है, और प्रॉफिट को खींच कर दुबाए उसी शेयर को खरीदना यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि आपने उसका साथ नहीं छोड़ा ना। सभी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने टारगेट दिए हैं, तो मैंने कहा था कि मैं तो टारगेट देता नहीं, मैं तो आपको रूपरेखा तैयार करता हूं, लेकिन जो जो टारगेट आ रहे हैं वो मेरे द्वारा नहीं आ रहे, वो किसी के द्वारा आ रहे हैं। मैं उस न्यूज को आपको बताऊंगा, उसकी साइकोलॉजी को आज। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर इन्फीबीम की, बात करेंगे सर एक शेयर की जो अलग काम कर रहा है जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट, और इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी, क्या सुजलोन एनर्जी यहां से हमें बहुत बड़े टारगेट दिखा सकता है या फिर वो अब नीचे की तरफ आने की मंशा बता रहा है। ये आज की जो सुजलोन पर वीडियो होगी सर, ये किसी विश्लेषक जो होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने टारगेट दिए हैं, तो मैंने कहा था कि मैं तो टारगेट देता नहीं, मैं तो आपको रूपरेखा तैयार करता हूं, लेकिन जो जो टारगेट आ रहे हैं वो मेरे द्वारा नहीं आ रहे, वो किसी के द्वारा आ रहे हैं। मैं उस न्यूज को आपको बताऊंगा, उसकी साइकोलॉजी को आज हम यहां पर पकड़ेंगे। और बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग जो हैं आजकल बड़े सहमे से लग रहे हैं। जब से दो दिन से मैंने आपके लिए कोरोना या फिर इलेक्शन की रणनीतियां समझाई है, इलेक्शन की रणनीतियां समझाई है, कुछ लोगों को समझ में आई है और कुछ लोगों को नहीं आई है। मैं हर बार आपको उस तरीके से वीडियो बनाकर दिखाता हूँ जो एक रियल है, कोई फेक नहीं है, है ना? क्योंकि अगर हम किसी वजूद में टारगेट की चीज़ों में फंसे तो फिर वो लोग कभी नहीं दिखाई देते जो आपको टारगेट के ऊपर बताकर निकल जाते हैं। ये मकसद, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कोई भी शेयरों के बारे में सच्ची एनालाइज या उसके अंदर कुछ अलग तरीके की चीज़ें आपको बताने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, बल्कि अपने विचारों की चीज़ों को लोग बताते हैं, और जिनके विचार उन चीज़ों के साथ मिल जाते हैं जो जो मार्केट में होता है, वो एक अच्छी साइकोलॉजी और अच्छी रणनीतियों वाली चीज़ें होती हैं, और उसी चीज़ के लिए मैं आपके लिए वर्क करता हूँ। ध्यान रखना कि जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए उनके अंदर एक विशेष तौर पर, मैंने आपको हर बार कहा था, एक सच्ची चीज़ होती है और वो होती है धैर्यता। और जो ये 6 महीने आने वाले हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर, क्या आप इस चीज़ से डर रहे हैं या इस फाइट को लड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, पहले ये डिसाइड करो। देखो सर, हमारा विषय अगर लंबा है 5 साल 10 साल, तो फिर अगर हमें आगे जाकर मार्केट अगर कुछ भी चीज़ें हुई तो वो हमें अगर प्रॉफिट को रेड में दिखाए, तो उससे ये मत समझ लेना कि उन कंपनियों का वजूद ख़त्म हो गया। शुरुआती तौर पर जब बहुत तेज मार्केट गिरी थी, मैंने वहाँ बता दिया था कि क्या अशोक लीलैंड अपने ट्रक और अपनी ईवी बसों में काम नहीं करेगा। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ, शेयर गिरने से कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कंपनी बंद हो गई है, पर वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। HDFC बैंक अगर 400-500 गिरे और वो बैड न्यूज़ से गिरे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? वो न्यूज़ से गिर रहा है।
अडानी ग्रुप के शेयर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 70-80% टूटे। क्या अडानी ग्रुप ने काम करना, अपनी कंपनियों में और प्रोजेक्ट लेना और धारावाजी जैसी परियोजना को जीतना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने श्रीलंका बांग्लादेश के साथ वो समझौते जो ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में उन्होंने देखे, वो उन्होंने बंद कर दिए? क्या उनकी वो चीज़ें, झारखंड हो गया, आपको राजस्थान हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो उनकी चलती जा रही हैं, क्या उन्होंने वो चीज़ों को इन गिरावटों में जो उनके शेयर गिरे बंद हो गया है, क्या इन सारी चीज़ों के बाद भी क्या उन्होंने अपने लड़के की सगाई नहीं की है? सर हम नहीं समझ रहे, हम सोचते हैं कि कोई चीज़ निगेटिव हो गई और वो हमारे साथ हमारे शेयर को बर्बाद कर गई और हमारी कंपनियों को उसने तोड़ दिया। कंपनी का सिलेक्शन करना सीख जाओ, मजबूती तौर पर आपको सब कुछ नजर आएगा। देखो सर, प्रॉफिट खींचना भी एक बहुत बड़ी कला है और प्रॉफिट को खींचकर दोबारा उसी शेयर को खरीदना यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि आपने उसका साथ नहीं छोड़ा ना सर। आपने कोई शेयर 250 में लिया, 300 में आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 50 रुपये का तो आपने उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया ना, वो शेयर आपको 10 रुपये और बढ़ता हुआ दिखे और आपके दिमाग में जाग जाए भाई ये शेयर तो 500 रुपये का था, तो 10 रुपये फालतू में खरीद लो उस शेयर को और उसके अंदर तो आपका प्रॉफिट और आपके मूलधन वापस आया है। देखो सर, ये जो चक्कर होता है ना जीवन का, एक चीज बता दूंगा आपको, कुछ लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ एक जगह एक अपनी अमीरी की तौर पर टिक जाते हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ, जैसे कि आपको देखने को कई ऐसे अमीर अमीर लोग मिले कि उन्होंने अपनी स्थितियों को एक तरफा किया, जैसे रतन टाटा, अंबानी, अडानी या कोई और भी, सब अपनी उपलब्धि के तौर पर उस तरफ है। पर कुछ लोग जो हैं फ्रॉड, वो आज विजय माल्या जैसे हैं जो देश छोड़कर भी भाग रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या जी जो थे, क्या उनका पहले साम्राज्य बड़ा नहीं था? जो भी देश छोड़ के हमारा भागा या देश में हमारा बाद में उसे पता लगा ये तो फ्रॉड था, क्या वो उससे पहले बहुत अमीर नहीं थे? क्यों कह रहा हूँ ये बात, ये चक्कर बैठ जाता है, तो इसलिए सच्चाई पर चलो। अभी तक दो बड़े महान यूट्यूबर हैं, अभी मैं आपको बता दूं, वो बड़े महान यूट्यूबर हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब इन दोनों महान यूट्यूबरों में वो जीतेगा जो सच्चाई की ओर होगा, है ना? अभी तक तो वो दोनों बेहतरीन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब अगर सर्च करो, दो यूट्यूबर लड़ रहे हैं आपस में, तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, तो अभी तक तो उनका सब कुछ सही था, जैसे ग्रहों की चाल बिगड़ी सब कुछ खराब, उसमें एक का सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है और एक संभला हुआ मुझे लग रहा है। तो ये क्या है कि अगर हम बिल्कुल सही हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये क्या चीज़ें हो जाती हैं? सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है हमारे मन और हमारे दिल का छल, हमारी अंदर की सोचने की शक्ति। अगर निगेटिव है तो वो उस दिन तो हमें प्रॉफिट दे के जाएगी, पर आगे जाकर वो हमें बर्बाद करके जाएगी। इसलिए अंदरूनी तौर पर अच्छा बनना सोच लो, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े अमीर लोग भी बाद में, भाई भगवान ऐसा चक्कर बिठा देता है, वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप बड़े बड़े लोगों की या बड़े बड़े यूट्यूबरों की फेक चीज़ों के साथ घुस रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्रॉफिट देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट दिखाकर कुछ लोगों को जो गुमराह किया है, क्या उन यूट्यूबरों पर गाज नहीं गिरी है? क्या अगर वो सच्चाई तौर पर कह देते कि भाई ये चीज़ें हैं, इतना मुझे लॉस होता था, इतना मुझे प्रॉफिट होता था, तो ऐसा तो कोई है नहीं जिसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट में हो सकता है प्रॉफिट प्रॉफिट, बाकी चीज़ों में नहीं हो सकता। तो वो क्या हुआ, बाद में उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई। तो इसलिए हमें मार्केट में समझ तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, टाटा स्टील स्प्लिट होने के बाद से काफ़ी लोगों को जिस शेयर ने रुलाया, अधिकतर सब कहते हैं सर टाटा स्टील में करूं क्या, टाटा स्टील में करना कुछ नहीं है, टाटा स्टील के शेयर अगर आपके पास है तो होल्ड करना है उसके अंदर। सर जो देश विदेशों में काम कर रही है, यूके में जाकर कितने लोगों को रोजगार देने वाली चीज़ों के साथ जो आपके सामने नाम है, वो टाटा स्टील का नाम है। ग्रीन स्टील पर जो वर्क कर रहा है वो टाटा स्टील है। हाइपर लूप हो गया आपका, वंदे भारत सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इस तरीके का वर्क करने वाली कंपनी टाटा स्टील है। और अब जो खनिज जो यहाँ पर नीलामी होगी उसके अंदर भी एक नाम जो उछला था वो भी टाटा स्टील है। हम कैसी एनालाइज कर रहे हैं
कि चार्ट देखकर हम कंपनी की विशेषताएं बता रहे हैं। कैसे बता दो कि कंपनी की चार्ट देखकर विशेषताएं? चार्ट बनता कैसे है? चार्ट खरीदने से बनता है। किसी शेयर किसी बड़े प्लेयर ने, अगर टाटा स्टील हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो, उसने बड़ी खरीदारी करी, तो क्या वो चार्ट जो बुलिश दिखाता है तो वो वोडाफोन आइडिया में नहीं दिखाएगा? हम कर रहे हैं काम की बात। अगर काम को ज्यादा समझना है तो चार्ट उसके अंदर वैल्यू नहीं रखेगा। चार्ट सिर्फ दिशा दिखाता है कि किसने खरीदा किसने बेचा, और जो खरीद बेच से ही शेयर प्राइस ऊपर हो जाए, खरीद बेच से ही चार्ट की तरफ ऊपर हो जाए, तो फिर उस चार्ट के अंदर यह भी सोचना है वो कभी ना कभी उसको बेचेगा भी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर की गहराइयां, और गहराइयों में उलझो, नहीं तो ये एनालाइज होते ना जो अलग टेक्निकल एनालाइज करने वाले, ये कहीं पढ़े हुए मिलेंगे आपको किसी कुछ दिनों बाद, मैं आपको बता रहा हूं, जो इस तरीके से आपको गुमराह करते जाते हैं। सच्चाई की ओर चलो। विजय केडिया साहब कहते हैं काम को समझो पिक्चर को समझो। तो टाटा स्टील 25 जनवरी को शेयरधारकों के साथ मीटिंग करने वाला है, और वो मीटिंग होगी वो अपनी कंपनी के साथ, यानी टाटा स्टील के साथ, अपनी एक कंपनी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स को अपने साथ मिलाने जा रहा है, है ना। तो ऐसी वो परियोजना के लिए, एक अपनी योजना के लिए हम शेयर धारकों के साथ मीटिंग और मंजूरी वाली चीज़ों के साथ, और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जो इसकी एक सहायक कंपनी है उसको अपने साथ मिलाने की प्रक्रिया की योजना हमें बताने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, क्योंकि 2022 में टाटा स्टील ने एक हमें बताया कि वो अपने साथ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने साथ 6 कंपनियों को विलय करेगा, मर्ज करेगा, पर वो अभी तक होते हुए नहीं दिखाई दिया। और उसके साथ ही इस तरीके की इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट जो कंपनी, इसकी एक सहायक कंपनी है, इसका भी उसके अंदर नाम था, और उस कंपनी के लिए कंपनी 25 जनवरी को शेयरधारकों के साथ मीटिंग करने वाली है। तो यहाँ टाटा स्टील अपनी मजबूती की तौर बढ़ा रहा है, इस वजह से जो ये कंपनी को अपने साथ मिलाएगा ना सर, एक तो इसके बाजार के मूल्य को बढ़ा देगी, मार्केट कैप को बढ़ा देगी जब इस तरह से इसके साथ मिलेगी, और अन्य चीज़ों को दिशा निर्देश देने वाली चीज़ें टाटा स्टील के साथ होगी, ये आप समझना। तो बेस्ट काम कर रहा है, और काम की रणनीति समझ लो, रखने वाले शेयर होते हैं सर, जो जल्दी से शेयर भागता नहीं, असल में वही शेयर बलवान हो जाता है बाद में, है ना, क्योंकि उसके अंदर सबकी नज़र हट गई और जो बैठा रहा वो कमाई लेगा भाई। तो यही आपको समझना है। अभी तक आपको पता था कि अंबुजा सीमेंट जो है सीमेंट के कारोबार में काम कर रहा है। मैं एक न्यूज़ खंगाल रहा था, और मुझे एक दो दिन पुरानी न्यूज़ देखने को मिली, और मुझे न्यूज़ अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि ये न्यूज़ को भी आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अंबुजा सीमेंट जो जिसके मालिक आपको देखने को मिलेंगे, अभी अधिग्रहण किया था अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप के गाज जो गिरी हुई थी हिंडनबर्ग की वजह से, उसकी वजह से ये भी शेयर लपेटे में आ चुके हैं अडानी के, क्योंकि एसीसी और अंबुजा सीमेंट जो सीमेंट का कारोबार करता है वो भी उनकी कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको देखने को मिला, सब कुछ सही होता हुआ जा रहा है, और उसके बाद आपको देखने को मिला एक जो चौथा मौका हमारा सुप्रीम कोर्ट पे पड़ा है, जिसके अंदर से अडानी ग्रुप जो है बाग साफ या फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे उसके बारे में जाँच हो रही थी, उसका जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है वो हमें आता हुआ नहीं दिखाई दिया। पर इन रणनीतियों को भी हमें समझना है कि धीरे धीरे किस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर हमें अपनी सतर्कता वाली चीज़ों को देखना है, क्योंकि आगे जाकर हमें 6 महीने जो बिताने हैं वो मैंने आपको पहले बताकर चला हूं। पर इन 6 महीनों में कंपनियों का वजूद ख़त्म नहीं होता, इन 6 महीनों में मौके की तलाश होगी। तो मौके की तलाश वाली चीज़ें मुझे दिख रही है अंबुजा सीमेंट में, क्योंकि इसने एक योजना अपनी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बना ली है। अब आपको आश्चर्य ये होगा कि जो सीमेंट में काम कंपनी करती है वो अपनी एक अलग रणनीति बना रही है ऊर्जा के क्षेत्र पर, जो वो पवन हो गया, सौर हो गया, उसके अंदर वो एक परियोजना को हासिल करने के लिए 1 गीगावाट की अपनी क्षमता बढ़ाने जा रही है, जो पवन और सौर से माध्यम से निकलेगी। 750 मेगावाट की एक परियोजना, यानी कि इस तरीके की योजना गुजरात में ये करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 600 मेगावाट तो सौर पर होगी और 150 मेगावाट पवन पर होगी, ये गुजरात में इस तरीके से 750 मेगावाट, और 250 मेगावाट अन्य नई ऊर्जा जो सौर पर बनाने जा रहे हैं वो राजस्थान पर ये बनाएंगे। यहाँ से क्या प्रतीत हुआ, क्योंकि ये जो कंपनी अपने सीमेंट का कारोबार करती है वो तो परियोजना के साथ साथ करती रहेगी, और इस परियोजना को ये आंतरिक
स्रोतों से वित्तीय पोषित करेगा, यानी अंदरूनी तरीके से इसको वित्तीय पोषित करके 1 गीगावाट की क्षमता बनाएगा और करीब 6,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश करने की मंशा बनाने जा रहा है अडानी ग्रुप। तो सर मैंने आपको कहा था ना कि ऊर्जा इतना इंपॉर्टेंट अडानी जी को लग रहा है कि उनके कई शेयर ऊर्जा के क्षेत्रों में भाग रहे हैं, है ना। तो उसके साथ अब अंबुजा सीमेंट, ये चीजें आपको देखने को मिली है। देखो सर, मुझे ये शेयर की प्रतिक्रिया लग रही है बेस्ट, और इस प्रतिक्रिया बेस्ट को हमें देने पड़ेंगे अब 1 साल, और इस साल इसके अंदर अपनी मंशा को हमें बेस्ट तरीकों से बनाना है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट सीमेंट के अलावा अब 1 गीगावाट क्षमता जो है नवकरणीय ऊर्जा के अंदर बनाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेस्ट शेयर देखने को मिल रहा है। और अभी आपको देखना है, थोड़ा सा विचार है ना, मैंने क्या कहा था कि अगर हमें 100 शेयर लेने हैं तो पहले 20 शेयर लिए जाएंगे। तो रणनीतियों पर काम होता है, नहीं तो सर प्रॉफिट तो हर एक कोई देख लेगा अपने पोर्टफोलियो में, आता नहीं है लेकिन सबको वो चीज़ों को चेक करना पड़ता है। अब बात करेंगे सर एक बहुत मल्टी बेगर शेयर, अगर समय दिया जाए इसके अंदर अच्छा, तो वो हमें और अच्छा बनकर दिखा सकता है, जिस शेयर का नाम है इन्फीबीम इमेन्यूज। देखो सर प्रतिक्रिया तो इसके 14 से ही शेयरों के अंदर मैंने आपके एक प्रतिक्रिया देखी, क्योंकि फंडामेंटल तौर पर, बैलेंस शीट के तौर पर और वर्क के तौर पर तो मुझे इस कंपनी का वजूद इस रेंज पर भी वाजिब नहीं लग रहा है, मतलब बहुत कम लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी अपनी चीज़ों को हमें बताती है, अगस्त में कंपनी ने हमें बताया कि वो एक AI हब जो बनाने जा रही है वो गुजरात सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में होगा, तो वहाँ से लगा कि कंपनी यार बता कर चलेगी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। पर कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन काम कर दिया है जिसमें AI हब इसने बना लिया है, और उसके साथ इसने उस AI कार्यालय यानी हब का नाम जो रख दिया है, नामकरण कर दिया है कंपनी ने, तो उस कंपनी ने यानी कि इन्फीबीज इवेन्यू ने अपने AI सेगमेंट का जो नाम रखा है वो है फ्रोनेटिक AI। तो फ्रोनेटिक AI से संबंधित कंपनी कह रही है कि भाई ये आपसी सहयोग, धोखाधड़ी से बचाने वाली चीज़ें, निर्णय लेने वाली चीज़ें, सहायक और सहायता करने वाली चीज़ें, ज्ञान करने वाली चीज़ें, ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ें, इस नाम की प्रतिष्ठा दिखाता है। जब कंपनी अपना AI पर इतना बड़ा वजूद हमारे सामने रखा, तो ये किस वजह से रखा, आपको पता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की चीज़ें और भुगतान में कंपनी पहले काम करे, फिनटेक कंपनी आपको पहले पता है AI पर आधारित अभी होने वाली है, और इस AI की चीज़ों के साथ अगर इसने AI हब तो बहुत बड़ा, तो उसके अंदर फिर ये और कंपनियों के साथ जो टेक कंपनी होती हैं उनके साथ फिर इस तरीके की AI की सुविधा दिया करेगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ तो इसके अंदर बनी गई है। इससे पहले भी मैंने आपको इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताता जा रहा हूं, और बंधन बैंक के साथ भी इन्होंने EMI के सेवाओं के लिए भी वर्क किया है, ये भी बीते दिनों वाली चीज़ें हैं। पर होगा क्या सर, हमने ये सारी न्यूज़ देख ली और कल को एक कोरोना की न्यूज़ हमारे सामने आ गई, या फिर अलग तरीके से ऑपरेटर की चाल हमारे सामने आ गई, और फिर शेयरों ने थोड़ा सा उछाल करके गिरना शुरू कर दिया, फिर हम सोचेंगे शेयर खराब हो गया, और ये सोच हमें हमेशा डुबाएगी, क्योंकि हम जिस भी कंपनी की एनालाइज कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, और वो आज और वो कल की नहीं है, है ना। तो गुमराह होने से बिल्कुल हमें बचना पड़ेगा। तो इसका नामकरण हो गया है, AI जो इसने बनाया था उसका नामकरण हो गया है, ये हमारे सामने चीज़ें आ गई हैं, और इस चीज़ से लग रहा है कि अब जल्दी ही उसके अंदर बेस्ट वर्क होने वाले हैं। तो कब क्या हो गया, ये लंबे समय का शेयर हो गया है ना, प्रॉफिट भी कर रहा है, सेल्स भी अच्छी कर रहा है, अलग अलग तरीके से भुगतान की चीज़ों में निकल रहा है, जियो के साथ भी चीज़ें कर रहा है, अलग अलग कंपनियों को इसकी ज़रूरत है, बाहर देश को चीज़ों को भी और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा, अमीरात में भी अभी इसने अपनी चीज़ों का विस्तार किया है, तो कंपनी तो बेस्ट है। पर दिमाग में कैसे बैठेगी वो तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होगी। तो ये जो गिरावट है, होगी नहीं होगी, इलेक्शन के प्रति गिरावट होगी नहीं होगी, इन रणनीतियों को समझना है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है, अपने प्रॉफिट को कैसे सिक्योर या फिर अपने चीज़ों को कैसे आगे तक हमें ले जाना है, तो वो तो आपको एक दूसरे अकाउंट में रख के ही आएगा, वो एक बड़ा ही सूत्र अच्छा है, उसे कोई आप समझ लेना। तो हर एक रणनीति को आपको चीज़ समझ कर चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे
सुजलोन एनर्जी को, और सुजलोन एनर्जी पर आज की जो वीडियो होने वाली है मेरे द्वारा सिर्फ बताई जा रही है, और इसके अंदर जो भी टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। तो सेबी रजिस्टर्ड एक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी कि इस महीने तक अगर सुजलोन एनर्जी 39 के स्तर को तक नहीं जाता तो फिर इसके अंदर गिरावट हो सकती है, यानी कि 39 रुपीज़ तक ये इस महीने, अब ये 3-4 दिन होने वाले हैं, इसके अंदर अगर चले जाए तो फिर ये हमें अच्छे टारगेट दिखा सकता है। देखो सर, 2023 में तो इसने 250% तक का रिटर्न दे दिया, अब 2024 की रणनीति विश्लेषक के द्वारा आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई सपोर्ट इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा 31 रुपये 20 पैसे, है ना, और 31 रुपये 20 पैसे के आसपास ही हमें खरीदारी करने की चीज़ें वो बता रहे हैं, और 39 रुपये इस महीने तक इसके जाने की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 39 रुपये ये इस महीने चला गया तो फिर अगले महीने से इसके टारगेट जो उनके नज़रों में आ रहे हैं वो करीब 45 से 65 रुपये तक जा सकता है। देखो सर, विश्लेषक होते हैं, ऊपर के भी टारगेट दे रहे हैं, नीचे के भी टारगेट दे रहे हैं, इधर जाएगा उधर भी सही हो गया, इधर जाएगा उधर भी सही हो गया, अलग तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो 45 और 65 रुपये 39 को तक जाएगा, पार करेगा तो चले जाएगा, वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस रुपए 20 पैसे की लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये शेयर जो 27 रुपए तक भी आपको जाकर दिखा सकता है। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं है आपसे, जो मैंने ये चीज़ किसी और चीज़ के लिए आपको बताई, इसमें आपको समझ में क्या आया? तो बड़ा आसान है ये एनालाइज, तो आप भी कर सकते हो, कर नहीं सकते सर एनालाइज? कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं चीज़। अगर हम टारगेट बताना शुरू कर दें, मान लो आज इन्फीबीम का शेयर 25 रुपये में है और मैं आपको बोलूं कि अगर 30 रुपये गया तो ये 35 जाएगा, 40 जाएगा, अगर ये शेयर 18 आया तो फिर ये शेयर 15 रुपये 14 रुपये आएगा, तो मैं तो दोनों तरफ से सही हो गया यहाँ पर, है ना। लेकिन साथ साथ ये समझना है कि उन्होंने एक सपोर्ट बताया है ना, वो सपोर्ट का समझना है। अगर ये चीज़ें कोई यूट्यूबर बताता टारगेट वाली तो मैं उसके अंदर सबकी निगाहों से देखता, पर ये चीज़ें बता रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड वाली चीज़ें, लोग बता रहे हैं, विश्लेषक बता रहे हैं, है ना। तो सपोर्ट तो उन्होंने बता दिया भाई 39 तक जाएगा तो आगे तक देखेंगे हम। अगर ये शेयर 31 रुपये 20 पैसे तक आ गया तो वहाँ खरीदारी करने वाली चीज़ है, अगर 31 रुपये 20 पैसे को तोड़ता है तो फिर 27 रुपये जाएगा, तो के अंदर हमें वो प्रतिक्रिया देखनी है। अब इन लेवलों में हमें इन चीज़ों को तलाश करना है कि हमारी अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ का बन सकती है। तो आज की सुजलोन एनर्जी की जो वीडियो मैं आप पे निर्धारित करता हूँ, आपको इस जो भी ये टारगेट आए हैं इससे आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं एक बार आप कमेंट कर देना सर, है ना। और एक कमेंट आपको करना कि आप अपना कमेंट के साथ अब ये बताना मुझे कि आप कौन से शहर से बोल रहे हैं, यानी कि कोई मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, है ना, कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मेरा प्लानिंग बनी फिर जैसे कभी कहीं घूमने की तो फिर मैं उनको नंबर लूँगा, उनके साथ फिर वहाँ पर घूमने जाया करूँगा। तो मुझे ज़रूर बताना सर आप कहाँ कहाँ से क्या कहाँ से बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको पूर्णतया समझनी है कि शेयर प्राइस या मार्केट की गिरावट से नीचे आने से आपको ये समझना है कि मैं वहाँ मजबूत मुझे होना है, और अगर आपके शेयर एग्जाइट, मदर संसूमी जैसे कंपनियों के शेयर हैं उनके अंदर आपकी प्रतिक्रिया किस तरीके से कठोर तरीके से बैठने वाली बन रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से किसी भी कंपनी का वजूद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा बदतर हालात मुझे नहीं लगता आगे की स्थितियों के साथ होंगे, वो भी आप समझना है, क्योंकि उस टाइम के बाद अब कोरोना चला गया उसके बाद समान नहीं हो गया ना हर चीज़, तो वो आपको समझना है। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट कंपनी से थोड़ी सी दूरियां बनानी है और देखना है कि आप कहां कहां से अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट ने दिखा दिया कि भाई वो 1 गीगावाट की क्षमता नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ले जा रहा है, तो अलग सेक्टर की तरफ उसने एक रणनीति दिखा दी, कोई सोच भी नहीं सकता, किसी हलवाई की दुकान है उसने कपड़े की दुकान खोल ली, तो वो चीज़ें इसने कर दी है। तो थोड़ा सा देखना है कि ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ उड़ रहा है, वो चीज़ें हैं देश का एक लक्ष्य, तो ये इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। वैसे भी इसका सीमेंट का कारोबार बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इन्फीबीम ने अपना नामकरण AI पर जो रखा है बहुत ही बेस्ट रख लिया है, और उसकी वजह से इसकी प्रतिक्रिया और अच्छे तरीकों से होल्ड करने वाली
बन रही है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजियोन एनर्जी पे आज की वीडियो है टारगेट वाली, और ये टारगेट वाली वीडियो मेरी नहीं होती क्योंकि मैं तो टारगेट पे वीडियो बनाता नहीं, ये तो मैंने आपको बताया है। अब आपको देखना है कि इसके अंदर अब ये 39 पे या फिर वो 65 पे या फिर आपको 27 पर मिलेगा। तो 65 और 27 के हेर फेर में शेयर घूमने वाला है, पर उसके लिए दो सीमाएं हैं 39 और 41 20 रुपये, है ना। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ कर देखिए, और हर एक प्रतिक्रिया जो मेरी वीडियो में मोटिवेशनल होती है उसको भी ज़्यादा समझिए, क्योंकि वो आपके माइंड को अच्छा करके जाएगी। अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने हर एक शुभचिंतक से बहुत बेहतरीन तरीके से बात कीजिए, क्योंकि आपका बोलने का तरीका ही आपको आगे तक सिंहासन पर बिठा सकता है, और बोलने का तरीका ही हमें सिंहासन से उतार सकता है। जिस तरीके से दो यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं, वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने महान लोग आपस में लड़ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल चलती जा रही है। तो समझने की बात है, जो सच्चाई की ओर होगा वो हमेशा फलता ही जाएगा, और मेरी नजरों में तो आपको पता है अच्छे लोग अच्छे होते हैं और बुरे लोग बुरे हो जाते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ के देख, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आना नहीं है, किसी की बातों में आपको नहीं आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।